हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप लोग के साथ जो वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ वो हो गया आपका, अगर आपके पास डियो है, डियो B6 मॉडल है, तो उसमें आप क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो या क्या क्या चीज़ लगा सकते हो एक्स्ट्रा कस्टमाइज, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये हो गया डियो B6 मॉडल है, तो मैंने इसमें क्या क्या आपको मतलब कस्टमाइज़ करके लगाया है, 10-12 चीज़ें अभी तक मैंने लगाया है इसमें, तो उसके बारे में पूरा फुल्ली डिटेल्स में आपको बताऊंगा क्या कैसे लगाया मैंने, और जो लगाने का जो प्रोसेस है उसको भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के द्वारा। तो पूरा वीडियो को देखते जाइए और आप लोग पूरा इंजॉय करते जाइए कैसे डियो B6 मॉडल में आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए, पहले जो फ्रंट ऑफ फ्रंट जो है, फ्रंट से मैं आपको बात करूंगा, फ्रंट में मैंने क्या क्या सिस्टम या क्या क्या कस्टमाइज़ करके मैंने लगाया है। तो देखिए, पहले मैं मार्कगार्ड में जाता हूँ। मार्कगार्ड जो है वो एप्रिला का है 150, तो मैंने इसको इंस्टॉल किया है। तो देखिए बहुत ही सॉलिड है, कोई भी प्ले नहीं है। तो उसके लिए आपको इसमें देखिए क्लेम लगाया गया है, तो मैंने इसको क्लेम बनाया और अंदर से देखिए ये नाट एंड बोल्ट सिस्टम मैंने किया है। तो इसके अंदर मैंने शॉकर का जो मेटल जो है, शॉकर का मेटल और क्लिप का मेटल टच नहीं होने के लिए इसमें मैंने डबल टेप यूज़ किया है, ताकि इसमें कोई भी मतलब स्क्रैच ना आए शॉकर पे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही आपको लगाना है और दो ब्रैकेट आपको इसको बना के लगाना है, ठीक है। देखिए, और मैंने इसको कलर भी किया है और बहुत ही ये सॉलिड है। पहला वाला जो डीओ में आता था, जो जनरली आता है, तो उससे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये। तो उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट जो है वो इसमें विंगलेट जो है लगाया है, और उसके नीचे देखिए मैंने यहाँ पे पुश लॉक से इसको लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैंने इसका जो बाइजर है, बाइजर के साथ मैंने पुश लॉक से इसको इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो देखिए इसका फोन का जो लुक्स है। तो उसके बाद देखिए, मैंने AJG का जो फॉग लाइट जो है, फॉग लाइट मैंने इंस्टॉल किया है। तो इसका जो कनेक्शन है वो आपको मैं बता दूंगा कहाँ से मैंने दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने विंडस्क्रीन जो है उसका एक्स्ट्रा मैंने कस्टमाइज लगाया है मैंने। तो देखिए ये दूर से कैसे लुक्स आ रहा है, बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव और ट्रांसफॉर्मर जैसे लुक्स आ रहा है, देख सकते हो आप। तो उसको देखिए, यहाँ पे कोई कोई नाट एंड बोल्ट सिस्टम करता है, तो मैंने यहाँ पे पुश लॉक जो है, पुश टाइप जो लॉक है उसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। बहुत ही सॉलिड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है, कोई भी नॉइस नहीं है। मैंने पुश लॉक से लगाया है ये जो स्टीयरिंग कवर के साथ, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, इसका जो लाइट है, फॉग लाइट जो दोनों मैंने इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे मैंने स्विच दिया है, देखिए यहाँ पे। तो जब हम इग्निशन ऑन करते हैं, तो अगर हम राइट का मतलब राइट प्रेस करेंगे, ये इंडिकेटर स्विच जो होता है जनरली, उसमें मैंने फिट किया है। देखिए ये येलो कलर का जो कलर है, डिपर जो है येलो है। तो उसके बाद मैं अगर अपर यूज़ करता हूँ, तो अपर में आपका आ जाएगा ये कलर, ठीक है। जनरली जो है क्रिस्टल कलर जो है वही वाइट कलर का अपर में आता है, ठीक है। तो अगर आपको ऑफ़ करना है, तो इसको इंडिकेटर जैसे हम लोग ऑफ़ करते हैं, तो इसको प्रेस करना है, ठीक है। तो अभी ये ऑफ हो गया है। तो उसके बाद देखिए, इसमें मैंने स्मोकी पेपर का यूज़ किया है, ताकि ये डिस्प्ले बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। उसके बाद मैंने कस्टमाइज हैंडल का जो ग्रिप है, बार ग्रिप है, इसको मैंने प्लेस किया है। तो इसको कस्टम करके इसको प्लेस करना होता है, तो यहाँ पे जो रबर होता है उसको आपको काटना ज़रूरी है। जब इंस्टॉल करेंगे, अंदर में आपका रबर रहता है, ये तो पूरा फिक्स रहता है, सील रहता है, तो इसको मैंने काट के इसको इंस्टॉल किया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद इस साइड में भी मैंने यही मतलब ग्रिप रबर यूज़ किया है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, आपका फ्रंट का जो लुक्स है, आपको पता चल गया है कि फ्रंट में आपका कैसा दिखता है, ठीक है, अगर आप ऐसे कस्टमाइज़ करते हो तो। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक्रोपोपिक का एग्जॉस्ट लगाया है। तो एग्जॉस्ट लगाने के लिए आपको डियो B6 मॉडल में आपको कैसे लगाना है, उसको आपको ध्यान से जानना ज़रूरी है। तो जब यहाँ से जो व्हीकल के साथ जो ओरिजिनली आता है, तो आपको यहाँ से इस साइड से आपको इस यहाँ से मतलब उसको काटना है, यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से ये जो मैग्नेट का जो SEG कोयल का जो कवर है, कवर का जो ये जो देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टिव मतलब कवर है, यहाँ से आपको चार उंगली ऐसे आपको
मेजर लेना है और यहाँ पे काटना है, ठीक है। तो उसके बाद इसको फिट करना है। तो फिट करने का जो प्रोसेस है आप गैस वेल्डिंग से कीजिएगा, आर्क वेल्डिंग मत यूज़ कीजिएगा। तो आर्क वेल्डिंग अगर आप यूज़ करते हो तो उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ब्रैकेट यूज़ करना है और ब्रैकेट का एंगल आपको मेंटेन करके लगाना है, ताकि अगर आप रियर से देखें तो एलाइन बेहतर होना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाया है, नीचे वाला जो बोल्ट है उसके साथ एक और ऊपर वाला के साथ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे हीट के लिए कोई भी अगर इसमें पैर लगता है या कोई भी मतलब बर्न आउट नहीं होने के लिए, तो मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टिव मतलब जो हीट का जो साइलेंसर पे रैपिंग होता है वो मैंने यूज़ किया है, और उसके साथ क्लैंप भी हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो उसके बाद तो अभी हम इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। तो एग्जॉस्ट जो नोट है, पहले सुनने से पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको व्हीकल को। तो देखिए इसका जो एग्जॉस्ट है इसका ऐसा साउंड आता है, इसका जो एग्जॉस्ट नोट है। रियर का जो मगगट है इसको मैंने पूरा मतलब यहाँ से कट किया है, कट करके मैंने जो कस्टमाइज मगगट है उसको मैंने प्लेस किया है, देखिए। और इसका जो फिटिंग का जो प्रोसेस है, देखिए यहाँ से इसका यहाँ पे आ रहा है। ये मैंने शॉकर का जो बोल्ट है इसको दूसरा मतलब कस्टमाइज करके लगाया, शॉकर के बोल्ट के साथ एक, और दूसरा जो है यहाँ पे देखिए क्लच का एक बोल्ट होता है 8 नंबर का, जितना भी बोल्ट लगता है क्लास में उसमें से एक को मैंने निकाल के थोड़ा लॉन्ग साइज का लगाया मैंने, और ये ब्रैकेट यहाँ पे 10 नंबर का और लगाया, ठीक है। तो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कोई भी मतलब इसका मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये कस्टमाइज नंबर प्लेट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने काट दिया था, ठीक है। तो इसका जो कस्टमाइज नंबर प्लेट है मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, देख लीजिए, देख रहे हो आप पूरा यहाँ से 10 नंबर का बोल्ट से इसको हैंग किया है। उसके बाद जितना भी वायरिंग है मैंने अच्छे से लगाया है, और इसको टाई क्लिप से मैंने लॉक कर दिया, ठीक, ताकि कोई भी मतलब एक्स्ट्रा मतलब लूज ना हो। तो उसके बाद ये लाइट है नंबर प्लेट का, और ये आपका हो गया जब हम ब्रेक यूज़ करते हैं तो ब्रेक लाइट के साथ ये भी ब्लिंक करता है दोनों लाइट, ठीक है। तो आप रियर का जो है ऑप्शन है वो आप देख लीजिए कैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए जब भी आप कोई भी कस्टमाइज करते हो तो कस्टमाइज करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको ध्यान में रखते हुए और अच्छे से और मतलब धीर शांति से आपको काम करना चाहिए। तो उसके बाद आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने इस पर हैजार्ड लाइट का ऑप्शन भी इंस्टॉल किया है। तो हैजार्ड लाइट का जो ऑप्शन है उसका जो इंस्टॉलेशन है, तो मैंने इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक स्विच दिया है मैंने, तो यहाँ पे देखिए पुश एंड पुल स्विच जो यहाँ पे लगाया है मैंने। तो इग्निशन को ऑन कर लेते हैं, ऑन करने के बाद इसको मैंने मतलब इसको खींचना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हैजार्ड लाइट जल रहा है अभी, रियर से भी आप देख सकते हो। तो इसमें 16 मतलब ब्लिंक का जो प्रोसेस है वो ये देखिए आपका टाइप का 16 टाइप का आपका ब्लिंक का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो अगर रात होता तो बहुत ही मतलब अच्छा होता है, और जब आप हैजार्ड लाइट का काम करते हो तो जो बल्ब है बल्ब आप एलईडी का यूज़ कीजिएगा, ताकि आपका जो कंजम्पशन जो हो बैटरी का वो कम रहे और आपका ब्लिंक का जो और फोकस भी ज़्यादा रहे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, तो देख रहे हो। तो मिनिमम मैंने इसमें कस्टमाइज जो किया है डीओ में, तो इसमें डीओ में जो कस्टमाइज़ किया है तो मैंने नंबर ऑफ कितना नंबर मतलब कितना यूनिट मैंने इंस्टॉल किया है तो आपको मैं बता देता हूँ। पहले यह सिमटेक का जो इंडिकेटर बल्ब है 1, उसके बाद इसके साथ हैजार्ड 2 चीज़, तो उसके बाद ये नंबर प्लेट जो फोल्डर है ये 3, और उसके बाद ये मगगट 4, उसके बाद एक्रोपोबिक का आपका साइलेंसर 5, उसके बाद ये जो रैपिंग है ये हो गया 6, उसके बाद ये ग्रिप आता है तो 7, और उसके बाद ये जो पेपर है 8, उसके बाद विंडशील्ड है 9, उसके बाद AGG का आपका फोगलाइट है 10, उसके बाद विंगलेट है 11, और मगगट जो है 12, ठीक है। तो अभी तक मैंने 12 चीज़ों का इस्तेमाल किया है इसमें मॉडिफिकेशन के लिए, तो अभी फ़िलहाल इतना तक मैंने मॉडिफिकेशन किया है।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा मेरा लास्ट जो मॉडिफिकेशन इसमें करने वाला हूँ, तो उसमें देखिए इसमें एलोइल का मैं यूज़ करने वाला हूँ। एलोइल एलोई जो व्हील है तो वो कस्टमाइज मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो बाहर से मंगाने वाला हूँ। तो उसके बाद ये जो हेडलाइट है ये एंटॉक का यूज़ करूँगा मैं, तो उसका जो वीडियो है वो भी आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये कस्टमाइज जो वीडियो है और कस्टमाइज़ करने का जो तरीका है अच्छा लगा है तो चैनल को जाइए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में जाके ऑल को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी टेक्निकल रिलेटेड वीडियो या मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाए तुरंत। ठीक है।